श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो आती है उस दिन होलिका दहन किया जाएगा और होलिका दहन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगले दिन होली भी खेली जाती है। शास्त्रों में होली की रात को सिद्धि की रात्रि कहा जाता है क्योंकि इस रात को महाशिवरात्रि, दिवाली, नवरात्रि की तरह महारात्रि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रात में योग योगिनियाँ जागृत होती हैं, इसीलिए साधना का फल तुरंत ही मिल जाता है। होलिका दहन के बाद उसकी राख से कुछ उपाय करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से किए जाने वाले उपाय। आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है या फिर धन की कमी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों से उधार ले लेकर अपना घर चला रहे हैं, कहीं कर्जा फंस चुका है, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप होलिका की राख जो होती है उससे एक छोटा सा उपाय अवश्य कर लें। इससे घर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी दूर हो जाएगा और आपके घर में वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे, घर में लक्ष्मी की सदा आवक होती रहेगी। आपको होलिका की राख जो होती है उसे एक लाल कपड़े की पोटली में बांध लें, लाल कपड़े में बांध लें, पोटली बना लें और उसे अपनी तिजोरी या फिर ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आप पैसा एकत्रित करते हैं। आप बैंक वगैरह में पैसा एकत्रित करके रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर की कपड़ों की अलमारी में या फिर ऐसी जगह पर थोड़े से पैसे रख कर के उस स्थान पर उस पोटली को रख दें जहाँ पर आप धन रखते हैं। ऐसा करने से संचित धन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और आपके भाग्य में लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। राख से आप हमेशा तिलक करते रहें। जब भी आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ से आपको धन के आने के संकेत होने लगते हैं, जहाँ धन आपको लेने जाना है, यानी कोई व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और आपको लगता है कि वहाँ से मुझे आज धन मिलना ही चाहिए, तो वहाँ जाने से पहले उस राख से आप तिलक जरूर कर लें अपने मस्तक पर। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, माता लक्ष्मी आप पर हमेशा सदा अपनी कृपा बरसाए रखेंगी। और भी उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लीजिए ताकि आपको होलिका दहन और होलिका के उपाय बहुत से पता चल सकें। हमारे चैनल पर और भी उपाय डल चुके हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखिएगा, अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।